एक गांव में एक किसान रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था। वह रोज सुबह जल्दी उठता, अपने खेत में काम करता और अपने परिवार का पालन पोषण करता। एक दिन उसने सोचा कि उसे अपने खेत में ज्यादा मेहनत करनी चाहिए ताकि उसकी फसल और अच्छी हो सके। उसने ठान लिया कि वह अपनी मेहनत को दोगुना कर देगा। उसने सुबह से शाम तक बिना थके खेत में काम करना शुरू कर दिया। उसकी मेहनत और समर्पण का परिणाम यह हुआ कि उसकी फसल बहुत ही अच्छी हुई और गांव के लोग उसकी तारीफ करने लगे। लेकिन कुछ समय बाद उसने महसूस किया कि उसके शरीर में दर्द होने लगा है और वह बीमार महसूस कर रहा है। उसने डॉक्टर से संपर्क किया, जिसने उसे आराम करने की सलाह दी। किसान ने डॉक्टर की बात मानी और कुछ दिनों के लिए आराम किया। इस दौरान उसने समझा कि सिर्फ कठिन परिश्रम ही नहीं बल्कि संतुलित जीवन जीना भी आवश्यक है। उसने अपने जीवन को संतुलित करने का निश्चय किया। अब वह नियमित रूप से काम करता लेकिन खुद के लिए भी समय निकालता। वह अपने परिवार के साथ समय बिताने लगा और अपने दोस्तों के साथ भी खुशहाल जीवन जीने लगा। धीरे धीरे उसकी सेहत सुधर गई और उसकी फसलें भी अच्छी होने लगीं। गांव के लोग उसकी इस समझदारी की भी प्रशंसा करने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कठिन परिश्रम का फल हमेशा मीठा होता है, लेकिन जीवन में संतुलन बनाए रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।